हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। एसएससी एमटीएस की भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। एसएससी एमटीएस 2024 की जो वैकेंसी है इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं, जिसमें वैकेंसी आपकी 8600 प्लस आपकी वैकेंसियों दी गई हैं। सभी 10th क्लास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो में आपको जो है कम्प्लीट ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस दिखाऊँगा, कैसे आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं बिना किसी गलती के। ये मैंने एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है, इसका जो डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, इसका जो है फुल नोटिफिकेशन अभी अभी आ चुका है और साथ में ऑनलाइन का जो लिंक है वो अभी एक्टिवेट हो चुका है। इसकी जो PDF है वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अब मैं दिखा देता हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है। देखिए, उससे पहले मैं आपको कुछ इसमें बेसिक जानकारी दे दूँ। जैसे कि एसएससी एमटीएस की वैकेंसी है, जिसने भी 10th क्लास पास कर लिया सभी अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार की वैकेंसी है, दो तरह की आपकी पोस्ट है। ऑल इंडिया और लेवल की वैकेंसी है, जो इसके ऑनलाइन फॉर्म है वो आज से ही शुरू हो चुके हैं। 27 जून से ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 31 जुलाई 2024 लास्ट डेट रखी गई है। अप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, जर्नल OBC EWS के लिए 100 रुपये फीस है। SC ST PWD कैंडिडेट की कोई फ़ीस नहीं है, फ़ीस आपको ऑनलाइन ही पे करनी इसके लिए। और जो आप अपने फॉर्म में कोई भी गलती कर देंगे, मिस्टेक कर देंगे, तो आप उसमें एडिट है जो 16 से 17 अगस्त 2024 के बीच में कर सकते हैं। और इसका एग्ज़ाम है अक्टूबर नवंबर 2024 में एग्ज़ाम होगा इसका। मैं आपको जो है कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, कोई भी आपको गलती नहीं करनी है। एज की बात करें तो 18 से 25 साल एज है UR कैटेगरी की, कुछ पोस्ट के लिए 18 से 27 साल है। उसके बाद बात करें तो वैकेंसी जो आपकी MTS की जो वैकेंसी 4887 वैकेंसी दी गई है। 10th क्लास पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और हवलदार की जो वैकेंसी 3439 वैकेंसी है, ये भी 10th क्लास पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका एक एग्ज़ाम होगा, CBT एग्ज़ाम होगा, उसके बाद PT PMT होगा सिर्फ हवलदार की पोस्ट के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं आपको इसके लिए जो अप्लाई ऑनलाइन करके दिखा देता हूँ। जय हिंद दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे SSC ने जो न्यू वेबसाइट जो लॉन्च की है उस पर आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे उसके लिए जो आपको पहले जो है अपना रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप कोई भी फॉर्म अप्लाई करेंगे SSC का, तो पहले आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा वहाँ पर। तो इस वीडियो में आपको जो है रजिस्ट्रेशन करने का कम्प्लीट प्रोसेस दिखाऊँगा, उसके बाद आप किसी भी फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो आपको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आप SSC MTS के लिए अप्लाई कर सकते हैं, GD के लिए अप्लाई कर सकते हैं, CPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं, JEE के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्टेनो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जितनी भी दिल्ली पुलिस की जितनी भी वैकेंसी आपकी निकलेंगी SSC के द्वारा, आप सभी में जो है वहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकेंगे। तो मैं आपको जो है SSC का रजिस्ट्रेशन करने का कम्प्लीट प्रोसेस दिखाऊँगा। सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट, आप वीडियो जो है अंत तक ज़रूर देखते रहें। देखिए, गूगल पर आपको सर्च करना है SSC। जैसे ही SSC सर्च करेंगे तो यहाँ पर नीचे है होम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इस पर आपको क्लिक करना है, या आप डायरेक्ट ssc.gov.in पर भी क्लिक करके आप जो है डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से देखिए ऑप्शन दिया गया है लॉगिन और रजिस्टर्ड का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अगर आपका पहले से अकाउंट होगा तो यहाँ पर आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकेंगे। अगर आप जो है इस पर पहले बार विजिट किया है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर नीचे दिया गया है लिंक, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन है ये, जैसे पर्सनल डिटेल डालनी है, एडिशनल डिटेल, पासवर्ड क्रिएट करना है और डिक्लेरेशन यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल आपको डालनी है, मैं आपको स्टेप बाई स्टेप कम्प्लीट दिखाने वाला हूँ। उसके बाद फॉर्म अप्लाई करके भी दिखाऊँगा SSC MTS का। और उसके बाद आप कोई भी फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको डायरेक्ट अप्लाई करना होगा। देखिए यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है यस पर, आपके पास आपसे पूछ रहा है डू यू हैव आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पर यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे, आधार कार्ड को आप दोबारा से वेरीफाई करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको और ID जो है आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी मिलेगी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इनमें से कोई भी आप दे सकते हैं। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करेंगे तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डाल देना है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पर यस करके आप अपना आधार कार्ड नंबर ही डालें।
उसके बाद ये ऑप्शन ऑफ हो जाएंगे आपके। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम डाल देना है, नाम आपका जो 10th क्लास का सर्टिफिकेट में है वही आपको नाम डालना है, श्रीमती, श्रीमान, श्रीमती, मिस्टर, 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 मिसिज, कुछ भी आपको नहीं लगाना, सिर्फ अपना नाम डाल देना है जो भी आपका नाम है। उसके बाद अपना नाम जो आप दोबारा से वेरीफाई करेंगे, अगर अपना नाम आपने चेंज किया है तो यस करेंगे, चेंज किया तो यहाँ पर यस करके आप उसका नाम डाल देंगे, नहीं किया तो आप नो पर क्लिक करेंगे ओनली। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, आप मेल हैं या फीमेल हैं। उसके बाद वेरीफाई कर लेंगे जेंडर को दोबारा से आप, जैसे ही से वेरीफाई करेंगे उसके बाद यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, जो भी 10th क्लास के सर्टिफिकेट में वही डालनी है। आप इसे दोबारा से वेरीफाई करेंगे, दोबारा से इसलिए वेरीफाई करा जा रहा है कि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो, कोई भी गलती ना हो, इसलिए आप अच्छे से विलअप करें। उसके बाद अपने फादर का नाम डाल देंगे, यहाँ पर 10th क्लास के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको फादर नेम डाल देने, बाद फादर नेम को आप वेरीफाई करेंगे। उसके बाद मदर नेम है उसको 10th क्लास के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग डालना है। उसके बाद यहाँ पर 10th क्लास आपने किस बोर्ड से की है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैंने हरियाणा डाल दिए। बोर्ड को आप दोबारा से वेरीफाई करेंगे, क्योंकि जो 10th क्लास का सर्टिफिकेट है उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो से भी डिटेल हो चेक की जाएंगी। 10th क्लास का रोल नंबर, 10th क्लास के रोल नंबर को आप वेरीफाई करेंगे, किसी आपने 10th क्लास पास की या इससे ईयर हाफ वो सिलेक्ट कर लेंगे, उसे वेरीफाई करेंगे। हायर क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, आपने 10th क्लास पास कर रखी या 12th कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आप यहाँ पर डाल देंगे, उसे आप वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, मोबाइल, उसके बाद ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ से नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है कि यहाँ पर आप जैसे ही मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालेंगे तो ऑप्शन आपके पास आ जाएगा यहाँ पर सेंड ओटीपी पर, दोनों पर ओटीपी आपको सेंड करना है और दोनों को वेरीफाई करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको। मैं दोनों को वेरीफाई करके सेव एंड नेक्स्ट करके आगे का प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ। देखिए उसके बाद जैसे ही आप वेरीफाई करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपका जो है अकाउंट वो सक्सेसफुली हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। उसके बाद ऐसे आपके पास मैसेज आएगा और आपकी जो ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है उस पर एसएमएस के द्वारा आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड वो सेंड कर दिया गया है। उसके बाद ओके पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर। देखिए जैसे ही ओके पर क्लिक करते हैं उसके बाद ये यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको सिंपल। देखिए जैसे ही कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जो आपके पास पासवर्ड आया हो यहाँ पर डालेंगे और ये जो कैप्चा हो रहा है यहाँ पर डाल के आप साइन इन करेंगे। उसके बाद देखिए जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो यहाँ पर आपको न्यू पासवर्ड बनाना होगा, यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड आप डाल देंगे। उसके बाद न्यू पासवर्ड बना लेंगे आप 8 करेक्टर का, कन्फर्म करेंगे पासवर्ड को। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर आप कोई भी डाल सकते हैं, जैसे कि आप मूवी का, फेवरेट मूवी का नाम, स्कूल का नाम, फेवरेट बुक का नाम, यहाँ पर आप सेलेक्ट करके उसका आंसर डालेंगे और सेकंड आंसर क्वेश्चन आपको दोबारा से सेलेक्ट करना है, इसका भी आंसर डालेंगे। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है सिंपल। उसके बाद देखिए जैसे सेव वैसे नेक्स्ट करते हैं तो आपका जो है क्रिएट अकाउंट हो चुका है। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे, जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है अकाउंट और सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जो आपने पासवर्ड बनाया वो डालेंगे और ये कैप्चा फिलअप करेंगे और यहाँ पर दोबारा से लॉगिन करेंगे आप। उसके बाद देखिए जैसे ही आप दोबारा से साइन इन करते हैं उसके बाद एडिशनल डिटेल आपको डालनी है, जैसे अपनी कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है कैटेगरी को आप दोबारा से वेरीफाई करेंगे। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन रहेगी आपकी। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप जो है अपनी जो आपके शरीर पे कोई भी निशान है तो उसकी डिटेल आप डाल देंगे। अगर आप पीएच कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो यहाँ पर यस करके आप उसकी डिटेल बता सकते हैं, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे सिंपल। उसके बाद अपना जो आपको परमानेंट एड्रेस है वो फिलअप करना है यहाँ पर। उसके बाद अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी स्टेट है यहाँ पर स्टेट दे। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है। उसके बाद अपना पिन कोड नंबर डाल देंगे। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम हो तो सिर्फ यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे तो आपका एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना आपको। उसके बाद देखिए जैसे ही सेव ऐसे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देना है और यहाँ से प्रीव्यू पर क्लिक करके आप अपनी जो OTR आपका जो आपने फिलअप किया वो भी यहाँ पर आप उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी डिटेल आपको दिखाएगा। देखिए यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करके जो आप अपनी डिटेल यहाँ पर चेक कर लेंगे, इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हो प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन देना है तो आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद आप MTS का किसी भी
जो पोस्ट का आप फॉर्म भरना चाहेंगे तो आपको डायरेक्ट लॉगिन करना है और अप्लाई पर क्लिक करके आपको डायरेक्ट अप्लाई कर देना है फॉर्म। ऐसे आपको फिलअप करना है आपको फॉर्म, और जैसे ही MTS का फॉर्म का लिंक एक्टिवेट होगा तो मैं आपके लिए वीडियो भी लेके आऊँगा कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, या कोई भी अलग पोस्ट से जैसे CPU JEE जिस भी पोस्ट का आएगा तो डायरेक्ट आपको वहाँ से लॉगिन करके अप्लाई कर लेना है। यह आपका प्रोसेस रहेगा। वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताना है। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद देखिए जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपकी प्रोफाइल वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, सभी डिटेल यहाँ पर आपको दिखा देगा। उसके बाद नीचे आना, आपको नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको देखिए एक लिंक दिया गया है जैसे कि MTS की पोस्ट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS, इस पर आपको क्लिक करना है जिसके ऑनलाइन फॉर्म है 27 जून से शुरू हो चुके हैं, 31 जुलाई 2024 तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है अप्लाई का, इस अप्लाई के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ आपको टर्म्स दिखेंगे, इन्हें आप अच्छे से रीड कर लेंगे, और फिलअप फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप किसी भी डिटेल आपको दिखा देगा, पर्सनल डिटेल जो आपने पहले से फिलअप की है, जो मैंने पहले आपको बताया वो डिटेल यहाँ पर आप किसी भी दिखा देगा, उसे आप अच्छे से चेक कर लेना। आपको सभी डिटेल चेक करने के बाद एक नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया, इस पर आपको क्लिक करना है तो उसके बाद डाटा आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन आपको डालनी होगी, जैसे कि हाईएस्ट आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने क्या क्वालिफिकेशन कर रखी है हाईएस्ट, जैसे मैंने ग्रेजुएशन डाल दिया है 10th क्लास की, यहाँ पर आपको दिखा देगा जो आपने पहले डाल रखी है उसका यहाँ पर डिटेल दिखा देगा। 10th क्लास की परसेंटेज आप यहाँ पर डाल देंगे जो भी आपकी परसेंटेज है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको दोबारा से क्लिक करना है। उसके बाद देखें जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद आपसे पूछ रहा आप एक सर्विसमैन है तो यस नो करेंगे, एज में रिलैक्सेशन चाहिए आपको तो यहाँ पर यस नो कर लेंगे। उसके बाद अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ST ST जो भी है वो कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आप दोबारा से सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका डाटा ये भी सेव हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है अपनी एग्ज़ाम की प्रेफरेंस आपको डालनी है, कहाँ पर आप एग्ज़ाम सेंटर लेना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं तो अपने अकॉर्डिंग आप डाल देंगे, ऑल इंडिया में एग्जाम सेंटर इसके रखे गए हैं तो अपने अकॉर्डिंग आप जो भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं और यहाँ पर उसे डाल सकते हैं। 3 एग्ज़ाम सेंटर आपको डालने, डालने के बाद ही मीडियम ऑफ एग्ज़ाम जो आप जो है एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, उसे आप दोबारा से वेरीफाई करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर यस नो अपने अकॉर्डिंग करके आप ही ने, उसके बाद यहाँ से आप जो है पोस्ट यहाँ पर आपको दी गई ये स्टेट और मतलब कि अपनी अकॉर्डिंग यहाँ पर आप ये सिलेक्ट कर लेंगे, प्रेफरेंस को यहाँ पर आप डाल देंगे, सभी प्रेफरेंस आपको यहाँ पर फिलअप करनी है, जिसे आप पहले लेना चाहते हैं वो यहाँ पर डाल के अपने अकॉर्डिंग सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। देखिए उसके बाद यहाँ पर जैसे ही से आप फिलअप कर देंगे उसके बाद आपको जो है अपने फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, उसके बाद प्रीव्यू पर क्लिक करके अपने फॉर्म को चेक कर लेना है, उसके बाद फाइनल सबमिट करना, कुछ नहीं करना आपको। बेसिक डिटेल आ गया कि सिर्फ फोटो और सिग्नेचर अपलोड करके आपको जो फाइनल सबमिट करना और फीस पे करनी है, ऐसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। अभी किसी को कोई डाउट है तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हो।